हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटैप्स लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीम कॉलम कैपेसिटी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ बीसीसी रेशियो, बीम कॉलम कैपेसिटी रेशियो। अभी जो जनरली ऐसा एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऐसा मेंशन किया है कि बीसीसी रेशियो जो है वो 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले बीसीसी रेशियो क्या है, बीम कॉलम कैपेसिटी रेशियो। तो बीम कॉलम कैपेसिटी रेशियो हमें फाइंड आउट करना होता है एट अ जंक्शन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से मेरा बीम जा रहा है, यहाँ से भी मेरा बीम जा रहा है, और ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, तो ये मेरा जंक्शन है, बीम कॉलम जंक्शन। अब ये बीम कॉलम जंक्शन पे मेरी बीसीसी रेशियो की वैल्यू 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये बीसीसी रेशियो क्या है, बीसीसी रेशियो है कि सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द कॉलम एट दिस पॉइंट, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द कॉलम एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे मोमेंट का कॉलम के मोमेंट का सम करो, और यहाँ पे भी कॉलम के मोमेंट का सम करो, और वो सम ये बीम जो है, दोनों बीम उसके समेशन से 6/5 टाइम्स से ज़्यादा आना चाहिए। मतलब 6/5 अगर मैं कैलकुलेटर में करूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.2। तो 1.2 से 1.2 टाइम्स इसकी जो सम ऑफ मोमेंट्स है वो ज़्यादा होनी चाहिए। मान लो कि इसकी सम ऑफ मोमेंट्स है 100, और यहाँ पे मैं अगर बीम की बात करूँ तो बीम की सम ऑफ मोमेंट 100 / 1.2, सो दैट इज 83। सो 83 से कम होनी चाहिए। अगर ये यहाँ पे सम ऑफ मोमेंट्स 83 से ज़्यादा है और यहाँ पे 100 है, तो ऑब्वियसली हमारा जो कॉलम है वो बीसीसी रेशियो में फेल हो जाएगा। तो ये बीसीसी रेशियो किस तरीके से चेक करना है, सबसे पहले आपको डिज़ाइन में जाना है, डिस्प्ले डिज़ाइन इन्फो, और यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना है आइडेंटिफाई ऑल फेलर्स। यहाँ पे मेरे सब कॉलम बीसीसी रेशियो में से पास है। अगर मान लो कि कोई कॉलम बीसीसी रेशियो में फेल है तो यहाँ पे लिखा होगा बीसीसी। और अगर आप ऐसे भी चेक नहीं कर सकते हो तो आप चेक कर सकते हो वैल्यू से। तो डिस्प्ले डिज़ाइन इन्फो में मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा बीम कॉलम कैपेसिटी रेशियो, तो यहाँ पे मुझे उसकी वैल्यू दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब भी वैल्यू मेरी 1 से कम है। अगर कोई भी वैल्यू मेरी 1 से ज़्यादा है तो दैट मीन्स वो कॉलम मेरी बीसीसी रेशियो में फेल हो रहा है। और अगर आपका कोई कॉलम बीसीसी रेशियो में फेल हो रहा है तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप तो आपको पता ही है कि यू हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ द कॉलम। अगर मान लो कि राइट नाउ अगर आपकी साइज 300/300 है तो आपको 350/350 mm साइज एक बार अप्लाई करनी है, फिर एनालिसिस रन करना है, फिर वापस डिज़ाइन करनी है, और उसको एक बार वापस चेक करना है बीसीसी रेशियो में। अगर 350/350 mm में mm के साइज देने के बावजूद भी अगर आपकी जो बीसीसी कैपेसिटी की जो रेशियो है, जो वैल्यू है, वो 1 से ज़्यादा आ रही है, तो आपको फर्दर कॉलम की साइज इंक्रीज नहीं करनी है, अदरवाइज इट विल बी मेक अवर स्ट्रक्चर अनइकोनॉमिकल। तब आपको इंक्रीज करना है रेनफोर्समेंट की वैल्यू। तो रेनफोर्समेंट की वैल्यू आप किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो, तो सिंपली उसके लिए आपको डिफाइन में जाना है और सेक्शन प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शन और कॉलम में जाके आपको ये यहाँ पर रेनफोर्समेंट है तो यहाँ पर आपको रेनफोर्समेंट की वैल्यू Fe 500 है तो उसकी जगह पर Fe 550 लाइक दैट, वो आपको ऐसे इंक्रीज करना है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि यहाँ से हमें रेनफोर्समेंट की जो वैल्यूज होती है वो भी हमें यहाँ से पता चलती है। तो यहाँ से मैं क्विकली एनालिसिस को रन करता हूँ और डिज़ाइन करने के बाद जो हमें रेनफोर्समेंट की वैल्यू मिलती है वो वैल्यू किस तरीके से हम नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सेल ओपन करता हूँ और एक्सेल ओपन करने के बाद डिज़ाइन में सबसे पहले मैं एक बार डिज़ाइन चेक कर दूँ, और डिज़ाइन चेक करने के बाद यहाँ से मैं एलिवेशन व्यू 3 और डिस्प्ले डिज़ाइन इन्फो, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम का जो रेनफोर्समेंट है वो, अगर हम इस जंक्शन की बात करें तो यहाँ पे कॉलम का रेनफोर्समेंट है 1697, राइट।
यहाँ पे मैं लिखता हूँ बार, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर्स और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया। तो लेट से यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ 16 mm के बार्स, नंबर लेट से 4 और इसका एरिया क्या होगा इज इक्वल टू नंबर्स मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर। सो पाई दैट इज 3.14 बाई 4 मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर दैट इज डायमीटर मल्टीप्लाई बाय डायमीटर एंड एंटर। तो यहाँ पे हमें अगर हम ये वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 803, लेकिन हमें चाहिए 1697। सो मैं 16 का 4 यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ सेंटर में, और अगर मैं इसका ऑटो सम करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिलता है 1607, यहाँ पे 1697। सो यहाँ पे मैं लेट से कॉर्नर में मैं 20 mm के डायमीटर अप्लाई करता हूँ, और जो मेरा सेंटर में है वो है लेट से 12 mm, तो 1708 विच इज़ हायर दैन 1619। सो यू कैन अप्लाई दिस रेनफोर्समेंट, सो 20 mm के डायमीटर एट कॉर्नर में, सो कॉर्नर में 20 mm के रेनफोर्समेंट हो गए, और जो सेंटर में है वो है 12 mm के 4 नंबर। तो इस तरीके से आप रेनफोर्समेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट 1094 है, लेकिन यहाँ पर रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट हाई है, तो हमें ये हाई वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो ऑब्वियसली बॉटम में जो रेनफोर्समेंट है वो हाई होना चाहिए, फिर एस वी मूव ऑन द टॉप हमारा रेनफोर्समेंट जो है वो कम होता जा रहा है, तो वो हमें कम रख सकते हैं, लेकिन बॉटम में जो रेनफोर्समेंट है वो हमारा ऑब्वियसली हाई होना चाहिए, राइट। सो लाइक दिस वे यू कैन कन्वर्ट योर लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट वैल्यूज टू द नंबर ऑफ बार्स एंड एरिया, एंड यू कैन प्रोवाइड द रेनफोर्समेंट लाइक दिस। ओके सो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 980 mm स्क्वायर रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे 1122 mm स्क्वायर रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है। अब ये रेनफोर्समेंट में हम एक और चीज कर सकते हैं। लेट से यहाँ पे मैं सबसे पहले मॉडल को अनलॉक करता हूँ, और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ रेनफोर्समेंट टू बी डिजाइन, और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ रेनफोर्समेंट टू बी चेक। तो किस तरीके से हमें यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है वो असाइन होती है। सो लेट से आई विल गो टू डिफाइन सेक्शन फ्रेम सेक्शन, और यहाँ पे मैं कॉलम में क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एड कॉपी ऑफ द प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ लेट से लोअर रिवाइज कॉलम। ओके, और यहाँ पे मैं रेनफोर्समेंट में जाता हूँ और मेक श्योर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ रेनफोर्समेंट टू बी चेक, ताकि हम जो रेनफोर्समेंट यहाँ पे यूजर जो रेनफोर्समेंट अप्लाई कर रहा है असाइन कर रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं है। लेट से यहाँ पे मैं 12 mm के डायमीटर लॉन्जिट्यूडनल में यूज़ कर रहा हूँ, और 16 mm के डायमीटर में कॉर्नर में यूज़ कर रहा हूँ, राइट। और जो मेरा यहाँ पे है लेट से 8 mm डायमीटर कन्फाइनमेंट रेनफोर्समेंट मेरा है 8 mm, और इसको मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ ओके, और यहाँ पे भी मैं क्लिक कर देता हूँ ओके। सो ये मेरा लोअर रिवाइज कॉलम है, और लेट से ऐड कॉपी ऑफ द प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैं करता हूँ अपर रिवाइज कॉलम, और यहाँ पे वापस में मैं रेनफोर्समेंट में जाता हूँ, और अपर रिवाइज कॉलम में लेट से मुझे लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है वो मुझे नहीं चाहिए, राइट। सो यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में मैं एंटर कर देता हूँ यूजर, और यहाँ पे मेरी वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ ओके, और यहाँ पे भी मैं क्लिक कर देता हूँ ओके। अब यहाँ पे भी मैं क्लिक कर देता हूँ ओके, और ये जो मेरे 4 कॉलम हैं लेट से बॉटम के 4 कॉलम, सो उसको मैं असाइन कर रहा हूँ सेक्शन दैट इज लोअर रिवाइज कॉलम, और ये जो मेरे सेक्शन हैं उसको मैं असाइन कर रहा हूँ अपर रिवाइज कॉलम्स, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोअर रिवाइज कॉलम है, और ये जो मेरा है अपर रिवाइज कॉलम। अब मैं वापस इसको एनालिसिस कर रहा हूँ, अब एनालिसिस करेंगे फिर डिज़ाइन भी करेंगे, और डिज़ाइन के बाद हम चेक कर देंगे, और चेक करने के बाद यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट क्या आ रहा है तो वो आपको पता चल जाएगा। ये जो नॉर्मल कॉलम है वो क्या है कि ये जो नॉर्मल कॉलम है
यहाँ पे ये जो नॉर्मल कॉलम है दैट इज रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड बाय द ईटैप्स, कि ईटैप्स हमें इतना रिइंफोर्समेंट यहाँ पे दे रहा है। अब यहाँ पे लेट से मैं डिस्प्ले डिजाइन इन्फो में करता हूँ और लेट से लॉन्जिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे जो रिइंफोर्समेंट है विदाउट ब्रैकेट, सो दैट इज रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड बाय द ईटैप्स, जो रिइंफोर्समेंट ईटैप्स ने प्रोवाइड किए हैं कि इतने रिइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है, और जो रिइंफोर्समेंट ब्रैकेट में है दैट मीन्स व्हाट, कि रिइंफोर्समेंट डिफाइंड बाय द ईटैप्स। सो जो हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोअर में और अपर में हमने डिफाइन किया था कि भाई लोअर में हमारा रिइंफोर्समेंट ये होना चाहिए और अपर में हमारा रिइंफोर्समेंट ये होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ईटैप्स ने यहाँ पर रिइंफोर्समेंट डिफाइन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोअर में मेरी वैल्यू कम है, अपर में मेरी वैल्यू ज़्यादा है, तो ये टोटली प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि लोअर जो कॉलम है उसको मैं अलग प्रॉपर्टी असाइन कर रहा हूँ, अपर कॉलम्स है उसको मैं अलग प्रॉपर्टी असाइन कर रहा हूँ, ताकि अपर जाके मेरा सेक्शन यहाँ पर रिड्यूस हो जाए। और अगर यहाँ पर मैं अगर बीम कॉलम्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरा दो कॉलम है वहां पे मेरी बीम कॉलम कैपेसिटी फेलिंग आ रही है, तो दैट मीन्स ये सेक्शन मुझे वापस अपडेट करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक द बीम कॉलम कैपेसिटी रेशियो। सो आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टूड दिस वीडियो एंड यू विल बी ऑल्सो अंडरस्टूड दैट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन रेनफोर्समेंट टू बी डिजाइन एंड रेनफोर्समेंट टू बी चेक। रेनफोर्समेंट टू बी डिजाइन मीन्स ईटैप्स हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो रेनफोर्समेंट एज पर द फील्ड सिचुएशन वो प्रॉपर है कि नहीं है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें रेनफोर्समेंट टू बी चेक में जाएंगे और यहाँ पे हम एज ए यूजर हम रेनफोर्समेंट असाइन करेंगे कि भाई आपको लॉन्जिट्यूडनल में ये डायमीटर यूज करना है, कॉर्नर में ये डायमीटर यूज करना है, और फिर मुझे क्या रेनफोर्समेंट आ रही है, क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, वो मुझे आप प्रोवाइड करो। तो उसके मुताबिक जो रिइंफोर्समेंट आ रही है तो वो ईटैप्स आपको प्रोवाइड करेगा। सो आई होप दैट यू विल बी लाइक दिस वीडियो, बी सी सी दैट इज बीम कॉलम कैपेसिटी रेशियो।